हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रट्टू तोता। ये है आपका मॉड्यूल 4 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन द सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर फंक्शन, हाउ विल यू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है। ऑपरेटर फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हम प्रीवियस वीडियोज में देख चुके हैं। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है, देखिए। अभी तक आप ये जानते थे जो कि आपके ऑपरेटर्स हैं, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस प्लस हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके साथ वर्क करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास 3 इंटीजर हैं, वेरिएबल है, आपने ये लिखा सम होके यहाँ पर आ गया। इसी तरह से फ्लोट 2 का वैल्यू सम होके थर्ड में आ गया। लेकिन ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प से हमने क्या किया, जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हुए, स्ट्रिंग हुए, एरे हुए, इनका पर भी हमने ऑपरेटर्स का यूज किया। जिस तरह से सपोज कीजिए S1 प्लस S2 दो स्ट्रिंग है, इनका मैं अगर सम करना चाहूं विदाउट ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट यूजिंग कॉनकेट फंक्शन। ओके, सो हाउ दिस आपके यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर किस तरह से ऑपरेटर यूज होगा, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब नाउ जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज करेंगे तो सबसे पहली चीज है कि आपको ऑपरेटर फंक्शन को यूज करना होगा। ऑपरेटर फंक्शन क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, ये देखिएगा। सिंटैक्स सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। ओके, सबसे पहले आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होता है, अगर यह फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो यहां पर आएगा void। अगर ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है तो इंट, फ्लोट रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट। इन केस अगर ये फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो यहां पर आएगा क्लास का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है तो यहां पर आएगा क्लास का नाम। देन ऑपरेटर, दिस इज कीवर्ड। देन ऑप मींस किस सिंबल को आप ओवरलोड करना चाहते हो, प्लस को करना चाहते हो, माइनस को करना चाहते हो, प्लस प्लस को करना चाहते हो। देन आर्ग्यूमेंट लिस्ट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्ग्यूमेंट लिस्ट किस तरह से होती है वो बताएंगे हम। एंड देन बॉडी, फाइन, दिस इज माय ऑपरेटर फंक्शन। इट इज मस्ट कि ऑपरेटर फंक्शन आपका पब्लिक में डिफाइन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर फंक्शन का काम क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स को सम करना, और जहां ऑब्जेक्ट्स आ गए वहां आपका फंक्शन पब्लिक में होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सके। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग सिर्फ दो ही तरह के ऑपरेटर्स की होती है। पहले होते हैं यूनेरी, जैसे कि प्लस प्लस, माइनस माइनस, और यूनेरी माइनस, जैसे सपोज कीजिए माइनस 2। ओके, बाइनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स की ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्नरी ऑपरेटर्स की ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं होती है। अब जब भी आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग करेंगे तो उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है मेंबर फंक्शन के थ्रू और एक होता है फ्रेंड फंक्शन के थ्रू। ओके, तो ये पहले सिंटैक्स की हम बात कर लेते हैं। जब हम मेंबर फंक्शन के थ्रू यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ओपी एक्स, ओपी मतलब ऑपरेटर एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम, और एक्स ओपी कुछ भी यूज कर सकते हैं, एक्स इज माय ऑब्जेक्ट। सेकंड, अगर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू यूज करेंगे तो भी सेम रहेगा। ओके, कॉलिंग का। नेक्स्ट, अगर आप मेंबर फंक्शन को के थ्रू बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं तो आप लिखोगे एक्स प्लस वाई। ओके, एक्स प्लस वाई या माइनस वाई, जो भी आप ऑपरेटर करना चाहते हैं। और अगर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करते हैं तो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई। तो डिफरेंस कहां है इनमें, डिफरेंस ये है, जब आप यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं मेंबर फंक्शन के थ्रू तो आपको एक भी आर्ग्यूमेंट पास करना नहीं होता, यानी कि यहां पर आएगा 0। अगर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे तो यहां पर आएगा एक आर्ग्यूमेंट, फाइन। अगर मेंबर फंक्शन के थ्रू बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे तो यहां पर आएगा एक आर्ग्यूमेंट, और अगर फ्रेंड फंक्शन के थ्रू बाइनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करूंगा तो यहां पर आएंगे दो आर्ग्यूमेंट। तो आप पूछेंगे कि सर यहां पर यूनरी में ठीक है एक आर्ग्यूमेंट क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, लेकिन इसमें 0 क्यों, इसमें 1 क्यों, एक कहां गया। इसका रीजन यह है कि आपको पता है कि मेंबर फंक्शन को कॉल कौन करता है, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके लिए जो एक ऑब्जेक्ट है
मेंबर फंक्शन को कॉल करने वाला जो ऑब्जेक्ट है वो इम्प्लिसिट पास होता है, इसलिए इसमें जीरो आर्गुमेंट की जरूरत होती है। जब एक ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली पास हो रहा है तो आपको एक ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट तो इम्प्लिसिट पास होता है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो आप पास करते हैं। दिस इज द डिफरेंस दैट हाउ फ्रेंड फंक्शन मेंबर फंक्शंस आर यूज टू ओवरलोड अ ऑपरेटर। अब एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हाउ विल यू ओवरलोड यूनरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले क्लिक होता है कि मेंबर फंक्शन के थ्रू करना है या फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है तो आपको लिखना होगा मेंबर फंक्शन के थ्रू। ओके, तो किस तरह से होगा, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल ली, क्लास बनाई, एक वैल्यू ली, सबसे पहले सेट डेटा किया, शो किया। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, ये क्या कर रहा था, रिटर्न टेम्प। टेम्प क्या है, ऑब्जेक्ट किस क्लास का, ए का। तो जब भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो मैंने क्या बताया था, क्लास का नाम, क्लास का नाम क्या है, ए। फाइन, देन ऑपरेटर कीवर्ड प्लस प्लस की बात ओवरलोडिंग कर रहा हूं यूनेरी। यहां पर मैंने एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेंबर फंक्शन के थ्रू कर रहा हूं। अगर यहां पर मैं एक आर्गुमेंट पास कर देता तो फ्रेंड फंक्शन के थ्रू कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एम और एन। ओके, इसमें भी वैल्यू होगी, इसमें भी वैल्यू होगी। एम सेट डेटा कॉल किया, ए की वैल्यू वन हो गई, वैल्यू कितनी हो गई, वन। तो यहां पर जब शो करूंगा वैल्यू एम की तो कितनी आएगी, वन। ओके, अब देखिएगा यहां पर मैंने क्या किया, प्लस प्लस एम किया, प्लस प्लस एम यानी कि किसको कॉल कर रहे हो आप, यूनरी ऑपरेटर फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो यहां पर आएगा। फाइन, यहां पर आने के बाद क्या होगा, एक और ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका नाम क्या होगा, टेम्प। टेम्प, ओके, टेम्प इसके अंदर भी वैल्यू होगा ऑब्वियस है। अब देखिएगा वैल्यू इक्वल टू वैल्यू प्लस वन, इसका क्या मतलब है कि वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करना। अब ये वैल्यू है किसकी, एम की है या टेम्प की है या एन की है, तो आपको हमेशा याद रखना है किसने कॉल किया है, एम ने कॉल किया है। तो एम ने कॉल किया है तो यह क्या होगा, किसका होगा, एम का। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, टू। टेम्प की वैल्यू में कितनी हो जाए, जो अपडेटेड वैल्यू है, डेट इज टू। ये टेम्प मैंने रिटर्न किया, रिटर्न होके किस में आ गया, एन के अंदर। तो यानी कि एन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, टू। ओके, टू होने के बाद मैंने क्या किया, यहां दोनों शो कर दिए, एम डॉट शो, एन डॉट शो, तो आउटपुट कितना आएगा, टू एंड टू। तो इस तरह से आप यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। इन केस अगर आप फ्रेंड फंक्शन के थ्रू करते हैं तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आर्गुमेंट पास करना होता और यहां पर क्या होता, डॉट ऑपरेटर के थ्रू आपको एक्सेस करना होता वैल्यू को। यही छोटा सा डिफरेंस है जब हम यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन। थैंक यू।